हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूँ। तो दो दिन पहले मैंने एक फोटो डाली थी यार शांतनु सर के साथ, अड्डा वाले जो है, और काफी ज्यादा कमेंट्स आए। उसके बाद मैंने सोचा ये वीडियो बनानी बहुत जरूरी है और सबको जवाब दिया जाए कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। तो इसमें मैं ये बताऊंगा पहले कि मेरे सोर्सेज क्या थे प्रिपरेशन के दौरान, और कहाँ कहाँ से किस किस टीचर से मैंने पढ़ाई करी। और ये बिल्कुल श्योर है, एक्यूरेट है। अगर आज के बाद मैं किसी दूसरे टीचर का नाम लूँ, जूते मार देना भाई आके, क्योंकि मैंने ये टीचर से पढ़ाई करी और हमेशा इनसे ही पढ़ाई की है मैंने। मैं दूसरे टीचर का नाम ना लूंगा, और अगर लूंगा तो बताना मुझे, ठीक है। और ना ही मैंने आज तक कभी लिया हुआ किसी दूसरे टीचर का नाम, ठीक है। तो अब बात करते हैं, और साथ साथ ये बताऊंगा कि कौन से बुक्स से पढ़ी, कौन से मॉक्स मैंने प्रेफर किए, ठीक है, सारी चीजें, और प्री और मेंस के लिए अलग अलग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्री की बात करते हैं, अगर तीनों सब्जेक्ट की बात करें, क्वांट क्वांट के लिए भाई मैंने अड्डा के, पहली बात तो मैंने सारे सबके लिए अड्डा का मैंने पैक लिया था। मुझे किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं थी, मैंने अड्डा का नाम सुना था मार्केट में, और मैंने वहां से पैक खरीदा अड्डा का, और मैंने अड्डा से तैयारी करने शुरू करी। और वहां पर फिर मुझे तीन टीचर दिखे, एक सबसे पहले वही दिखे, एक क्वांट के लिए शांतनु सर, और रीजनिंग के लिए सौरभ सर, और इंग्लिश के लिए संतोष सर, ठीक है। तो तीनों से मैंने पढ़ना शुरू करा, और पहले मैंने क्वांट से, क्वांट का जो शांतनु सर का था, यूट्यूब का जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट है, वो पूरा लगा लिया था। उसके बाद मैंने उनका बैच लिया था, फिर वो लगाना मैंने शुरू करा, क्योंकि मुझे टीचर से काफी अच्छी बॉन्डिंग लगी, और काफी समझ आ रहा है मुझे उनका, ठीक है। तो फिर मैंने उनका पूरा बैच लगाया, प्री के लिए मैंने सब कुछ इनका बैच लगाया। और साथ अगर जीए की बात करें, जीए मैं बताता हूँ आपको, जीए मैंने कुछ महीने, मतलब लगभग 5-7 महीने तक आशीष गौतम सर से पढ़ी है, ठीक है। उसके बाद मुझे लगा कि शायद थोड़ा कंटेंट कम पड़ रहा है, और काफी मुझे दोस्तों ने रिकमेंड किया कि गौरव सर जो है स्टडी आईक्यू वाले, उनके पास आप जा सकते हो, उनके देख सकते हो कोर्सेज। तो मैंने उनका देखा, काफी अच्छा है उनका भी। तो उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट आईपीएस क्लर्क का मीन्स दे दिया था, टीम मीन्स दे चुका था, आरबी ट्यू मीन्स, आरबी क्लर्क मीन्स, आईपीएस क्लर्क मीन्स। उसके बाद मैंने स्विच करा, और फिर मैं गौरव सर पे आया, और मैंने हमेशा अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स फॉलो किया, दूसरे सोर्स पर नहीं फॉलो किया। एक सोर्स फॉलो करता हूँ जीए के लिए, चाहे वो पहले क्या कहते हैं आशीष गौतम सर थे, फिर जो गौरव सर थे, ठीक है। तो प्री का मैंने आपको ये बताया। अब इसके अगर सोर्स की से टीचर तो बता दी मैंने आपको, बताता हूँ बुक्स मैंने हमेशा बताई है, एस क्वांट, एस रीजनिंग, एस इंग्लिश, तीनों मैंने सिंस अड्डा से मैंने प्रैक्टिस शुरू करी, और मैंने यही किताबें ऑर्डर करी, और मुझे किताबें बहुत अच्छी लगी, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगी। कुछ लोग कहते हैं भाई इसे सिलेक्शन कैसे हो जाएगा, भाई किताब वो परफेक्ट है, वो आपका बेसिक फाउंडेशन बना देगी। उसके बाद आप कितनी प्रैक्टिस करते हो मॉक से, कितनी प्रैक्टिस करते हो किसी से, वो आपके ऊपर मैटर करता है। अब आपको मैं कोई ऐसी किताब ला कर दूं जो बहुत सारी बहुत बड़ी मोटी है, उसमें बहुत सारे सवाल, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो किताब बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छा बेस बना के दे देगी। किताब ये मैंने रेफर करी। मॉक टेस्ट बात करता हूँ प्री के लिए। प्री के टाइम तक मेरे पास ऑलीबोर्ड भी शायद नहीं था, बिल्कुल प्री स्टार्ट होना था तब मैं लिया था, लेकिन सबसे पहले मेरे पास टेस्ट बुक रहा करता था, और अड्डा का भी रहा करता था, और शायद प्रैक्टिस मॉक रहा करता था, ये तीन मैंने रेफर किए। हॉलीवुड में थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, लेकिन ये चार रहा करते थे, और टेस्ट बुक मैंने छोड़ दिया था। अड्डा का मॉक मैं कभी रेफर नहीं करता, आज तक मैंने रेफर भी नहीं किया हुआ, क्योंकि उसमें थोड़ी सी गलतियां ज्यादा होती है, मैं खुला बोलता हूं, और थोड़े से मॉक्स मुझे लगता है लेवल से कम होते हैं, पेपर के अप टू लेवल नहीं होते हैं, इसलिए मैं रेफर भी नहीं करता हूं। मैं मोस्टली कहता हूं कि हॉलीवुड के मॉक्स पर रिलाई करूं या प्रैक्टिस मॉक, दो मॉक्स बहुत अच्छे होते हैं। अब बात करते हैं मेंस की, सिंस प्री की बात हो चुकी है सारी, टीचर, ठीक है, बुक्स और मॉक टेस्ट हो चुके हैं। अब बात करते हैं मेंस की। देखो सर, मेरे दिमाग में ना मेंस के लिए कुछ अलग था ही नहीं। जब सर पढ़ा रहे थे, सर ने बोला कि मैं इसके बाद दूसरा बैच कंटिन्यू करूंगा, जिसके पास अड्डा का सब्शन है वहां पे एक बैच रैंकर्स प्रो करके, ठीक है, उसको आप खोलोगे, उसमें मेंस की क्लासेस चलती है। यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते, क्या पढ़ाते मुझे उससे मतलब नहीं है। देखो पहली बात, क्योंकि मैंने बैच लिया हुआ था तो मैंने वहां से तैयारी करी, ठीक है। अब आप अगर YouTube से देख के बोल रहे हो वो मुझे नहीं पता कैसे बोल रहे हो, बट भाई मैंने वहां से पढ़ा, और रैंकर्स से मैंने रीजनिंग सारी पढ़ी है, बोलूंगा सच्ची। मैथ्स मैंने वहां से नहीं पढ़ा, मैंने दो क्लास लगाई थी, उसके बाद मैं नहीं पढ़ा। मुझे लगा मुझे जरूरत नहीं है कि जो सर बता रहे मुझे आता है ऑलरेडी, ठीक है। ये शायद हो सकता है कि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था, इसकी वजह थी, लेकिन मैथ्स मुझे उसके बाद जब मैंने प्री का काफी अच्छे से किया, मुझे मेंस की क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी अलग। मैंने सिर्फ डीआई बनाई, मैंने प्रैक्टिस करी, और मेरा उससे ही काम हो गया, मैंने कुछ अलग से नहीं किया। रीजनिंग मैंने रैंकर से सारी लगाई है, लगभग सर की 20-25 क्लासें होंगी हाई लेवल पजल्स करके, और हाई लेवल जो मिसलेनियस क्वेश्चंस थे सारी लगाए मैंने। उसके बाद मैंने दो बुक्स फिर वही बताई है, बुक्स रेफर की थी मैंने, अड्डा की हाई लेवल पजल और अड्डा की हाई लेवल रीजनिंग, ये मैंने फॉलो करी है रीजनिंग और मैथ्स के लिए। इंग्लिश के लिए कुछ मैंने अलग नहीं किया, हमेशा से वही मॉक टेस्ट लगाए, मॉक टेस्ट लगाए, यही प्रेफर किया, ठीक है। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट में हमेशा कहता हूँ ऑलीबोर्ड या फिर प्रैक्टिस मॉक, फिर से वह बात है। तो यही था यार मेन जो मैंने सोर्सेज फॉलो की। अब मैं ये कहना चाहूंगा यार कि हो सकता है कि आप किसी टीचर को अच्छा समझते हो या आपको उससे समझ नहीं आ रहा है, भाई मैंने उनसे ही पढ़ा सबसे पहले, और मेरी बॉन्डिंग उनसे बहुत अच्छी बन गई, और मुझे उनका पढ़ाया इनफ लगा मेरे लिए। हो सकता है आपका उनके लिए इनफ ना हो, और मुझे लगा कि वो बहुत सही पढ़ा रहे हैं। प्री का तो बहुत सही पढ़ा रहे हैं, मुझे कोई फ्लॉ नहीं लगा।
मेंस में मुझे नहीं पता कि क्या चाहिए होता बच्चों क्या नहीं चाहिए होता, क्योंकि अगर आप प्री का अच्छे से पढ़ते हो ना और आप बहुत अपना फाउंडेशन स्ट्रांग कर लेते हो यार, तो सवाल वही होते हैं, कुछ अलग सवाल नहीं आते, मुझे इतना समझ में आता है हमेशा। ठीक है, बाकी अगर मैंने कुछ बोला उसके लिए माफ कर देना अगर आपको कुछ गलत लगा तो। थैंक यू सो मच, मेरी वीडियोस देखते रहिए, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, ऑल द बेस्ट, बाय।